प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत के स्वदेशी विकास एंटी सैटेलाइट सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया। असैट उन्नत तकनीक की एक प्रणाली है जो अंतरिक्ष में किसी भी देश की सैन्य ताकत को दर्शाती है। इस हथियार का इस्तेमाल अंतरिक्ष में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दुश्मन देशों के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में असैट सिस्टम अमेरिका, चीन और रूस के पास उपलब्ध हैं। आज असैट के परीक्षण के साथ भारत इस पंक्ति में चौथा देश बन गया। अमेरिका पहली बार 1950 में इस तरह के हथियार विकसित करने वाला था। 1960 में रूस ने भी इस हथियार को विकसित किया था। 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया। इस परीक्षण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के कई उपग्रह प्रभावित हुए। इसके बाद 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी का निर्णय लिया गया। कोई भी विस्फोटक हथियार अंतरिक्ष में तैनात नहीं किया जाएगा। भारत के अलावा इजराइल असैट सैटेलाइट विकसित करने की प्रक्रिया में है। डॉक्टर बी के डीआरडीओ के महानिदेशक सारस्वत ने 2010 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उनके पास असैट को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें हैं। इसराइल का एरो 3 या हज 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे एंटी सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के 80% से अधिक संचार और नेविगेशन सिस्टम उपग्रह पर आधारित हैं। उनके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया पर नज़र रखता है। इन उपग्रहों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपग्रह विकसित करने की आवश्यकता है। हालांकि अब तक किसी भी युद्ध में असैट प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है। कई देशों ने अपने स्वयं के खोए हुए उपग्रहों को मारने के लिए उनका परीक्षण किया है, जिसमें चीन भी शामिल है।